देख पाते और कुछ आप लोगों को भी दिखा पाते। हाँ तो भाई इससे क्या सीख मिलती है? इससे ये सीख मिलती है कि आप, हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आज पूरे दिन बाद मुझे कुछ शूट करने का मौका नहीं मिला और अभी मैं निकला हूँ रात के 8:30 बजे वॉक करने के लिए, वॉक जॉगिंग करने के लिए, क्योंकि दिन में पूरा टाइम नहीं मिला। तो आज मैं अभी निकला हूँ वॉक करने के लिए। अब दिन भर कुछ इतना सारा काम था कि वो सारा ख़त्म करने के बाद में मैंने कहा कि चलो आज जिम बंद है, लेकिन मैंने कहा कि वॉकआउट नहीं मिस होना चाहिए, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो रनिंग कर लेता हूँ। रनिंग करने आया तो देखिए दोस्तों क्या यहाँ पे ट्रेड फेयर लगा हुआ है। क्या कहते हो, मुझे जाना चाहिए अंदर या नहीं जाना चाहिए? चलो जाके देखता हूँ क्या है। सो हमारे पास एक पास में एक स्टेडियम है, तो हम अक्सर वहीं पे चले जाते हैं करने के लिए। और ये देखिए दोस्तों ट्रेड फेयर लगा हुआ है, तो आप ये देख पा रहे हैं ये रहा ट्रेड फेयर और कुछ झूले वगैरह लगे हुए हैं। तो चलिए वहाँ चलते हैं और देखते हैं अंदर है क्या क्या। अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही है। मेरे पास कैश था नहीं और यहाँ पे बस कैश ही एक्सेप्टेड है, तो मैं अंदर नहीं जा सकता क्योंकि मैं फ़ोन पे पेटीएम कर सकता हूँ, मैं कैश लेके नहीं आया। तो बाहर से ही कुछ नज़ारा यूँ है, बाकी अंदर तो कल अगर हो सकता है तो जाऊँगा और दिखाऊँगा फिर आप लोगों को। ज़माना दोस्तों डिजिटल हो चुका है, लेकिन बहुत लोग अभी भी डिजिटलाइज नहीं हुए हैं और इसी का नतीजा है कि हमें अभी भी कैश लेके रखना चाहिए। अगर आप कहीं भी सफ़र कर रहे हैं तो इससे यही सीख मिलती है कि हमें कैश ज़रूर रखना चाहिए ताकि ऐसे मौक़ों पे हम मिस ना कर जाए, राइट। वैसे तो टिकट बहुत ज़्यादा नहीं था, 10 रुपये था, लेकिन वो 10 रुपये हमारे पास है नहीं, तो आज 10 रुपये का महत्व भी पता चल रहा है कि 10 रुपये कितना काम करना है। तो आप ऐसे मेले में नहीं जा सकते अगर आपके पास 10 रुपये नहीं है तो। माइंड ब्लोइंग, मज़ेदार है, अंदर जाके और मज़ा आएगा, है ना। पर कोई नहीं, हम दूसरे दिन चलेंगे। तो आज हमारा दिन बुरा रहा, अगर जाते तो कुछ अच्छा सा देख पाते और कुछ आप लोगों को भी दिखा पाते। हाँ तो भाई इससे क्या सीख मिलती है? इससे ये सीख मिलती है कि आपको कभी भी अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको कुछ कैश भी रखना चाहिए ताकि जब जैसा ज़रूरत पड़े आप उसका यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो इन भाई साहब अगली बार से ध्यान आप इस चीज़ का देख सकते जो आप देखना चाहते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।